जैसे थे हम पहले हमें वैसा कर, जैसे थे हम पहले हमें वैसा कर जाओ। ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, थोड़ा गलत। शोएब भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। शोएब भाई, कोई ऐसी बात जो आप सेट के बारे में सबसे शेयर करना चाहते हो, कोई भी बात बताना चाहते हो जो इस सेट पे इस गाने के दौरान कुछ हुई हो? इस गाने के दौरान आज सभी आई थिंक पूरा दिन ही बहुत ही अच्छा था। और राजवीर के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ इस तरीके। उससे पहले राजवीर ने मेरी शादी के एंड सभा की शादी की फोटोग्राफी की, वहां से मैं उससे मिला था। एंड एज अ प्रोफेशनली काम इस तरीके से पहला है। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, वो बहुत ही कमाल है। सेट पे अपने एक्टर्स को, टीम को पूरी पैम्पर करके रखते हैं। एंड सबसे अच्छा जो मेरे लिए मोमेंट था वो था सुरभि से मिलना 5 साल के बाद। यार वैसे ही फील करना कि हम मैं अभी वेट वही कर रही कर थी कि रहे तुम मेरा नाम कब लोगे। हैं। हम यही बात कर रहे थे, हम सेट पे भी यही बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि हम शो ही कर रहे हैं अपना, वापस आए मिले हैं, फील वही मतलब था। वो हमारा शो, आई थिंक इट वाज 5 years back, मैंने शोएब को देखा, मुझे ऐसा लगा बस हम 1 week के गैप पे गए थे और फिर हम शूट कर रहे हैं। इट वाज लाइक उस शो में भी ऐसे हुआ करता था कि मैं सुरभि की इमेजिनेशन में आया करता था, फिर गायब हो जाया करता था हाँ, इसमें। यहाँ इस सॉन्ग में भी यही हो रहा है। हाँ सॉन्ग में चलो भी एक हुआ। काम करते हैं, बहुत खुशी हुई मुझे जान के। और सुरभि वैसे ही मन में सोच रही होगी कि ये पिंक हुडी पहन के लड़का बोलने नहीं दे रहा। सुरभि जी आपसे बात करते हैं जरा, आपकी इमेजिनेशन के बारे में बताया जरा इस शो में भाई ने मुझे, जरा अपनी इमेजिनेशन के बारे में बताया हमें भी कि क्या क्या इमेजिन करते हैं आप। शोएब मतलब इस सॉन्ग में मेरा कहने का मतलब ये, शोएब भाई कह रहे हैं कि इनकी इमेजिनेशन में आते थे, तो आप मुझे, मेरे को जो पता लगा है, जो मैं गेन कर पा रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन से, वो ये बहुत करती है। क्या ये सही है गलत आपको क्या लग रहा है, है? क्या शोएब लगता भाई है आप आपको? बताओ, ये मुझे बातें लगता बहुत है मैं, चलती है। भाई मैं मुझे अपना नाम लगता है करती करनी होगी। होगी। अंकित भाई फुल सैवेज मोड में चल रहे हैं, बाकी सारे अलग चल रहे हैं। ठीक यार ऐसा है, लगता है देख। ओके। फिर भी आपसे एक सवाल पूछना है, अंकित सर के बारे में एक वर्ड आप क्या बताओगे, कि आपको क्या लगता है कि एक वर्ड में वो कैसे है? यार आई ऑफ कोर्स आई हैव नॉट मेट हिम बट आई नो हिम एज अ सिंगर। एंड इज देयर एनी वर्ड अदर अदर देन एंड अबव देन अमेजिंग आई वुड यूज दैट फॉर हिम? मेरे पास यो बहुत यार सारे ही लोग सुपर्ब, ही इज इनसेनली इनसेनली सुपर्ब। हैं। परफेक्ट। थैंक यू। एंड शोएब के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शोएब के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ दैट ही इज माय स्वीट हार्ट। मैं जब भी ऑफ कोर्स सी वी ऑल गेट बिजी इन आर लाइफ, हम जब मिलते हैं काम के लिए ही मिलते हैं, आई थिंक दिस इज द रूल ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट मैं जितनी बार भी शोएब से मिली हूँ, मैंने जितना भी उसके साथ काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। एंड ही इज वेरी जेन्युइन पर्सन एंड ही इज अ स्वीट हार्ट। थैंक यू। परफेक्ट। मैं आपसे एक नाम पूछना चाहता हूँ, उबेद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उबेद को बहुत मार पड़ेगी, वो अगर सुन देख रहा है उसको बहुत मार पड़ेगी। पढ़नी भी चाहिए या उबेद, प्लीज बिल्कुल सही पढ़ोगी देखो मार, बे मतलब उसको, तो पढ़नी। आई डोंट नो व्हाई ही वाज जस्ट, उसको ऐसा था कि कहीं कोई शॉट छूट ना जाए, तो शोएब जो हमारे डीओपी हैं वो अपना शॉट ले रहे हैं और शोएब भी पता नहीं, ये उबेद भी किसी भी कोने में अपना फोन लगा के सब शॉट्स ले रहा है, इस एंगल से उस एंगल से। आई डोंट नो व्हाई ही वाज डूइंग दैट, उसे लगे कि अगर कुछ फुटेज कम पड़ जाए तो मैं अपने फोन से दे दूंगा, समथिंग लाइक कौन सा फोन लेके घूम रहा था भाई वो? आई डोंट नो पता यार, वो तो अपने फ्रॉड ही एक कर रहा वीडियो था बना रहा था, वो अपने ही एक वीडियो या बना रहा अपने वीडियोस बना रहा था। करें ऐसे कुछ भी रैंडम बात करने आ जाता था मुझसे और मुझे लगता था क्या मतलब क्या, और फिर मैं रियलाइज करती थी अच्छा कोई उसकी टीम का बंदा वीडियो बना रहा है। सो या ही लव्स डूइंग दैट। ओके। एक पार्टी का प्लान बना रहे थे, मैं चाहता हूँ कि वो बात कोई नहीं सुन पाया था, एक बार क्लियरली बोल देते कि आप सब लोगों को मिलना चाहते हो, वो वाली बात हम कर रहे थे ना। हाँ हमारी या राजवीर अगर आप सुन रहे हैं, शिरीष भाई अगर आप सुन रहे हैं, हमारी सबकी, मेरी, सुरभि, अंकित तिवारी, हम सब साथ में सर कभी मिले नहीं है, तो मैं, या अंकित लोग, पूरी टीम, प्रोडक्शन टीम, और भाई भी जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनको भी बुला के एक पार्टी करते हैं, हम सक्सेस पार्टी करते हैं गाने की, जो हम मिलेंगे या और फिर से धमाल करेंगे। यार मैं प्लीज काम ही कर रहा हूँ एक्चुअली। एक्चुअली आपकी आपकी टीम से जो लोग हैं ना, वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज रहे हैं कि क्या क्या और पूछा जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल तो ये पूछिए। पार्टी वाली जो लाइन है वो राजवीर ने लिख के भेजी है कि इनको बोल कि पार्टी के लिए बोले। वाह बोला राजवीर देना तुम्हें ये पार्टी।
जरूरी है क्योंकि एक्चुअली गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. अब जितनी हार्डवर्क किया है हम सबने मिलके, यू नो, जो जो भी इन्वॉल्व है इस गाने से, एटलीस्ट एक मतलब पार्टी तो बनती है ना उनके लिए यार, तो बहुत ज़्यादा. But how nicely Ankit is talking and look at me and Shoaib, हम ऐसे बात कर रहे हैं कि स्कूल में छुट्टी हो गई और बच्चों को बच्चे छूट गए. And when Ankit talks, पार्टी तो बनती है इतना भी नहीं है. आप तो सीधा लखनऊ चले. मैं एक्चुअली अंकित एंड शोएब के आने से पहले ही आस्क्ड मी दैट अगर आपके पास एक सुपर पावर होती तो मैंने एक सुपर पावर बोली दैट आई वांट टू हील पीपल विद माय, इफ अगर मेरे पास एक पावर आए तो मैं चाहती हूँ मेरे पास ऐसी पावर आए जिससे मैं लोगों को हील कर सकूं. और अगर भगवान ज्यादा खुश हो गए वो बोले कि एक और पावर आपको, अगर कोई एक और विश चाहिए तो मैं बोलूंगी दैट आई रियली वांट दैट वॉइस जिससे मैं गाना गा सकूं. ट्रस्ट मी, आई सो डेस्परेटली वांट टू बिकम अ सिंगर, पर मेरे नाम में बस सुर है, मेरे गले में नहीं है. और बस मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं बस गाना गाऊं. देखो ऊपर वाले ने आपको आवाज तो दी है, ऊपर वाले ने आवाज आई नो बट गाने वाली आवाज ये हो सकता है कि वो सुर भी ना दिया हो. वो नॉर्मली सब सुर ही नहीं, फुल सैवेज मोड में चल रहे हैं अंकित भाई. अंकित भाई आपकी बात को एक्सटेंड करते हुए एक और बात कह रहा हूँ. सुरभि आपने ये बात कही है कि आप गाते हैं या गाना चाहते हैं सुपर पावर होती गाने की, एक दो लाइन आप भी गा दीजिए कि जो आपको पसंद हो. You want to end this conversation here? आप चाहते हैं कि अंकित भाग जाए, शोएब भाग जाए? Do you want this? नहीं, कोई नहीं भागे. अपने फैंस के लिए आप एक लाइन गा दीजिए. No, मैं trust me, अगर hypothetically अगर अंकित यहाँ पे नहीं होते तो मैं still ये गुस्ताखी करती. सुनो मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ. No, 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 please, I'm so bad. Don't embarrass me. नहीं. तो आप ये तो बोल रहे हैं ना कि let's meet, let's party. आप अभी cancel कर दोगे सब. अंकित भाई बहुत है भाई, मैं जितना मैंने अंकित भाई के बारे में सुना है बहुत अच्छा गाता है. अरे नहीं चाहिए कर दिया शोएब भाई. हाँ भाई शोएब भाई एक बात सुन रहा है, मेरी वैसे इतनी चलती नहीं है नेबर भी, लेकिन मैं आप पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ एक गाना एक लाइन चलेगी भाई. भाई ऐसा है मामे यार, अच्छा लगेगा मुझे यार. सुरभि ने बोला कि अगर अंकित सर नहीं भी होते ना तो हम सोच सकते थे चलो गा लेते हैं, अभी नहीं बिल्कुल नहीं. चलो मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है सच जी सर. सात से आठ परसेंट की बैटरी होगी मेरे फोन की जो कभी भी डेड हो सकता है, पहली बात. दूसरी बात, मुझे कहीं और भी जाना है तो दोनों चीजें एक ही बार में हो जाएंगी. मैं आपको बेइज्जती कुछ नहीं, सब गा रहे तुम्हारा गाने. मैं तो नहीं गाऊंगी कुछ भी हो जाए. अरे भाई मैं आपका नाम बोल, नाम मुझे बताओ ना आपका. भाई मेरा नाम, हाँ यार क्या है यार, मेरा नाम तो मेरा नाम रैपर में ऐड हुआ, मैंने लेट ज्वाइन किया ना. तो भाई हमारा गाना एक बार आप अपनी आवाज में गा के सुनाओ. चलो मैं गा सकता हूँ पर ये वाला नहीं गा सकता. उसका रीजन ये क्योंकि अभी मेरे को पूरा याद भी नहीं हुआ है वो गाना. चलो मैंने सुना है ठीक है, लेकिन अच्छा ये मेरे पे ही आ गई बॉल. क्या ये बॉम्बे वाली चीज मेरे साथ? एक काम करो, मैं एक लाइन गाता हूँ उसको आप रिपीट करो फिर. डन चलो. पहले कुछ ऐसा कर जाओ, छोड़ने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ, जैसे थे हम पहले हमें वैसा कर जाओ, जैसे थे हम पहले हमें वैसा, जैसे थे हम पहले हमें वैसा कर जाओ, जैसे थे हम पहले हमें वैसा कर जाओ. ओ, 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 ओ,
सर बस इतना कॉपी है सर, शागिर्दगी सी शागिर्दगी करूंगा मैं आपके साथ, फिर करेंगे। बट आपने कमाल गा दिया, आपने केस ले लिया सब लोगों ने, मैं नहीं खेल रहा हूँ भाई। नो ये बहुत अच्छा है। अंकित भाई मैं आपकी 5-6% बैटरी रह गई है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी आवाज के बिना आप एक बारी गा दीजिए, वहां से भी मैसेज आ रहा है। और इसी के साथ साथ खुशखबरी भी देता हूँ, आपकी सक्सेस पार्टी डन हो चुकी है, राजगीर का मैसेज आ गया है और वो बता देंगे आपको डेट पे। तो इसीलिए मैं बार बार अशोक भाई इसलिए मैं इधर देख रहा था क्योंकि मेरे लैपटॉप पे व्हाट्सएप चल रहा है, तो उधर वो बता रहे हैं सब चीजें। एनीवे अंकित सर एक दो लाइन इसी गाने की सर गा दो ना सर। नहीं मैंने इसी इसी मैं सच बताऊं मैंने इसी गाने की एक दो लाइन गाई थी। और मुझे प्रॉब्लम ये होगा कि बात मतलब स्टार्ट से मुझे भी लिरिक्स अभी इतने याद नहीं है क्योंकि नया नया अभी रिलीज हुआ है, तो वो लिरिक्स किधर है वो सब मेरे फोन पे अभी कुछ है नहीं, दूसरा फोन मेरा यहाँ पे, इसलिए मैं बार बार उतना ही रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर विद दैट बीइंग सेड एक बार मुझे लिरिक्स बताना प्लीज आप लोग। सुरभि एंड Okay. कैसे बताएं तुम्हें हम मर चुके कातिल अपनी कातिल हाँ यार कातिल अपने ही दिल दिल के करेक्ट हाँ हम कातिल अपने ही दिल के हम बन चुके हैं। चलो ठीक है विद दैट बीइंग सर, अंकित सर एक लास्ट मैसेज अपने फैंस के लिए दे दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो मुझे मैसेज करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे कि भाई आपने अंकित सर से हमें हमारी बात नहीं कराई। सर एक फैंस के लिए मैसेज दे दीजिए अपनी तरफ से। ये तो बहुत अच्छा चांस दिया आपने, तो ये मैसेज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं दे भी देता हूँ। पहली बात तो कि अभी अभी हमारी पार्टी लॉक हुई है, तो आई एम वेरी हैप्पी फाइनली हम सब मिल लेंगे। दूसरी बात है ये है कि अभी हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये टॉपिक जिसलिए हम लोग एक्चुअली यहाँ पे आए हैं, वो एक गाना है, वो गाना ऐसा है जो नॉन फिल्म है और सोल म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे आपको यू नो आसानी से मिल जाएगा। और सो मैं भी खुद के म्यूजिक चैनल के साथ आ रहा हूँ जो मैं 15th को लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो 15th की एक पार्टी है। मैं आप दोनों को इंस्टाग्राम करूं हाय बोलूंगा, प्लीज नंबर दे देना मुझे आप दोनों लोग। वेल आई टेक्स्ट अंकित भाई, मेरे को नहीं बुलाओगे? मुझे नहीं पता, आर यू फ्रॉम मुंबई? मुझे आईडिया नहीं है, सॉरी। नहीं भाई मैं दिल्ली में हूं, मैं तो बहुत दूर हूं। ओ यू आर इन दिल्ली? देखा मैं कितना स्मार्ट हूं भाई, आज तुम्हारा बोलते ही समझ में आ गया। हां कपड़े आप मुझे देखो ना, मैंने पकड़ लिया ना एक ही बार में। सर आप अपनी पार्टी में आई थिंक गाने को बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो। यू नो स्टोरी आप वीडियो बहुत खूबसूरत है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यू नो और मैं ये भी बता देता हूँ, सोल म्यूजिक का प्रमोशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो लगाओ तो उसके पहले मैंने गाने ऐड जो गाने आते हैं उसमें मैंने ये गाना सुना है, तो ये भी बेस्ट अच्छा जा रहा है इसका मतलब। सही है सर। सर इतनी सारी बातें करी आपसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपका फोन जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए और आपका फिर से मन करे हमारे से बात करने का। आज के लिए लाइव पर आने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है राघव, मैं भी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे जल्दी से जल्दी मिल पाऊंगा। मैं भी आपको मैसेज करूंगा सर, हाई लिख के भेज देना, दिल खुश रहेगा। ठीक है सर, मैं लिख के भेजूंगा, उसका रिप्लाई कर देना सर। आप हाई लिख के भेजना, मैं आई हाई लिख के भेजूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अंकित सर, और जिन लोगों को अंकित सर से बात करनी है उनका नया चैनल देखना प्लीज आइए उनके इंस्टाग्राम पे, उन्हें ज्वाइन कर दीजिए। अब आते हैं जरा इन दोनों के पास और इनसे करते हैं बातें, क्योंकि ये दोनों सेट पे एक साथ थे और ये हमारे लीड्स हैं
इस गाने के। तो सुरभि जी एंड शरीफ जी, पहली बात तो वेलकम वंस अगेन, और कैसा लगा आपको ये गाना शूट करके? आपकी आपकी कोई बात जो आपको बतानी हो अपने सारे फैंस को, कुछ भी शेयर करना चाहते हो, फ्लोर इज योर्स। ऑफ कोर्स वन ऑफ द थिंग इज जो शोएब ने बोला कि जो हमारा शो हमने साथ में किया था उसमें भी द कॉन्सेप्ट वाज क्वाइट सिमिलर दैट आई मिस हिम एंड ही कम्स इन माय ड्रीम्स और मैं उसको इमेजिन करती हूं और वो आते हैं। इनफैक्ट जो इस सॉन्ग की लोकेशन और जिस तरह से उन्होंने लिट अप किया था, देयर वर लाइक बिग बिग डोर्स एंड चैंडेलियर्स, तो शोएब को याद था उस शो में हमने गजनेर पैलेस में शूट किया था, उसकी लाइट और जो मूड लाइटिंग ऐसा येलो कलर का, इट वाज क्वाइट सिमिलर एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि वो शोएब को याद भी था। सो या इट वाज लाइक उसका रिकॉल वैल्यू हो गया हमारे शो का। सो या इट वाज दैट्स व्हाई आई थिंक ऑल द मोर हमें ऐसा लग रहा था कि हम शो अभी बस एक हफ्ते पहले तक शूट कर रहे थे, अभी दोबारा आए। क्या बात है, क्या बात है। शोएब भाई आपके, आप कुछ ऐसा बताना चाहते हो सेम चीज से? आई सेम टू सेम आंसर। ठीक है, ओके। तो यही सेम चीज हुई है। मुझे लगता सुन भी सबके जवाब दे देगी, सबके सबके जवाब दे देगी लड़की। अभी शोएब साइड भी है ना, तो मैं उसके भी हाथ पे बोल दूं। नहीं नहीं सुरभि, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोग होते हैं इतने आर्टिकुलेट कि वो ये कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता है। आप इतनी अगर हाँ क्यों, हर कोई नहीं कर सकता ऐसे बात। यू कुड बी अ ग्रेट आंटी बट अदर पर्सन कैन नॉट बी। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। आई वाज एन आरजे बैक देन इन पंजाब। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ रेडियो। अब पढ़ाई भी सोची जा रहे हैं सारे। कोई नहीं, ठीक है। मैंने पता सीखा पहला तो भाई यार ये बंदी आप बात कर सकती है खूब सारी पंजाबी में। अपने फैंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? Yes, मैं सारे नु जिन्ने भी पंजाब सुन रहे हैं, जिन्ने भी पंजाबी बाहर बैठे हैं, जेडे लाइव इस टाइम देख रहे हैं, थानू सारा नु बहुत बहुत थैंक यू इस गाने नु पसंद करने लिए ते इतना ज्यादा प्यार करने लिए। प्लीज अपनी रील्स बनाओ ज्यादा तो ज्यादा, ते गाना जिन्ना ने नहीं सुनिया प्लीज सुनो, ते जिन्ना ने सुनिया दोबारा सुनो, ते एक बार फिर तो थानू साडे सारे वालों बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, इसी बात की पंजाबी आती है क्या? हां इसी पंजाबी आती है। अरे पंजाबी मेरी मदर टंग है, मेरे को लिखना पढ़ना बोल। ये तो मुझे उस टाइम भी नहीं पता था इतनी अच्छी पंजाबी आती है। बट इट्स माय फर्स्ट लैंग्वेज, लाइक द फर्स्ट लैंग्वेज दैट आई हैव लर्न्ड वाज पंजाबी। ओह दैट वे पार्टी गाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव राज इज विद अस, द डायरेक्टर राजवीर सैनी। या थैंक यू सुरभि मैम, थैंक यू सर शोएब सर। राजवीर सर एक बात बताओ जरा, पार्टी आपने दी नहीं है इनको अभी तक? नहीं, एक्चुअली पार्टी हमने रखी हुई थी ऑलरेडी। हमने हमारा जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी दिन हम पार्टी भी करने वाले थे, वो हमारा सारा प्लान था, लेकिन डेट्स की वजह से हम नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं राजवीर, तो एक्चुअली में हमारी पार्टी सेट पे ही थी, क्योंकि जिस तरीके से हम शूट कर रहे थे और जिस तरीके से हम जो बोल रहे थे वो हमें मिल रहा था, खाने को पीने को, डांस भी हो रहा है, मस्ती भी हो रही है। हां मतलब मैं वही बता रही थी, रैंडमली हम लोग पिज्जा खा रहे हैं, लाइक ओ ऐसे क्या क्या खाएं डिनर में? पिज्जा पिज्जा। सो या दैट वाज द पार्ट। सही है।